أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون فمن التوراة नाजिल फरमाई थी जिसमें यह हिदायत थी और नूर था अम्बिया जो कि अल्लाह ताला के मुती थे उसके मुआफिक यहूद को हुक्म दिया करते थे और अहलुल्लाह और भी बब उसके उनको उस किताबुल्ला की निगाहदाश का हुक्म दिया गया था और वो उसके इकरारी हो चु हो गए थे सो तुम भी लोगों से अंदेशा मत करो और मुझसे डरो और मेरे अहकाम के बदले में मताय करीन मचलों मत और जो शख्स खुदा तला के नाजिर किए हुए के मुआफिक हुक्म न करे तो ऐसे लोग बिल्कुल काफिर हैं और हमने उन पर उसमें ये हिदायत फर्ज की थी कि जान के बदले जान और आँख होने के बदले आँख और नाक बदले नाक और कान बदले कान और दांत बदले दांत और ख़ास जख्मों का भी बदला है फिर जो शख्स उसको माफ़ कर दे तो वो उसके लिए कफ़ारा हो जाएगा और जो शख्स खुदा तारा के नाजिल किए हुए के हुक्म न करे सो ऐसे लोग बिल्कुल जुर्म उठा रहे हैं आपके सामने शुर माह की दो आयात चवालीस तो और पैंतालीस नंबर की पढ़ी गई है इन दोनों आयात में अल्लाह ताला ने तौरात के बारे में नाजिल हुक्म नाजिल फरमाया है कि अल्लाह ताला, ताला फ़रमा रहे हैं कि तौरात हजरत अलैहि सलाम पर अल्लाह ने नाजिल फरमाई थी जो हिदायत और उसके अंदर नूर भी था और नबियों को हुक्म दिया गया था और को और रब्बानून को हुक्म दिया गया था कि तौरात के हुक्म के मुताबिक फ़ैसला किया करें जब तक मुसार अचलात सलाम की तौरात नाजिल हुई थी और इशार अचलात सलाम नहीं आए थे इस दरमियान में तमाम नबियों को और तमाम अहबार को उलमा को और तमाम जो है तौरात के मानने वालों को हुक्म था कि तौरात के हुक्म के मुताबिक फ़ैसला किया करें और उसको मताय करीब ले करके फरोख्त न किया करें यानी ख़ुदा के अकाम को पैसे लेकर रिश्वत लेकर के न बदला करें और मुझसे ही डरा करें लोगों से ना डरा करें कि अगर तोरेत के हुक्म के मुताबिक हम फ़ैसला करेंगे तो लोग क्या कहेंगे बदनाम कर देंगे या मेरे दुश्मन बन जाएंगे तो लोग क्या करेंगे मत देखो बस मेरा खौफ तुम्हारे दिल के अंदर बैठा हुआ रहना चाहिए बस तुम डरो मत बल्कि खुदाई अहकाम को सही सही लोगों तक पहुंचा दो और अल्लाह हैं कि जो आदमी तौर के हुक्म के मुताबिक फ़ैसला न करे वो बिल्कुल खुल्म खुल्ला काफिर है उसके बाद जब फिर हज़रत ईसा सा इसतम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए तो तवरात का जो हुक्म था उसके अहकाम मनसूख हो गए और उसके बाद फिर इंजील के हुक्म के मुताबिक लोगों को शरी लोगों को बताया जाने लगा और लोग उसकी शरीय के मुताबिक अमल करने लगे फिर उसके बाद जब नबी करीम सल्लाम ला तशरीफ़ लाए तो नबी करीम सलील्हुसम के तशरी लाने के बाद तौरात का हुक्म भी मनसूख हो गया इंजीर का हुक्म भी मनसूख हो गया और ज़बूर का हुक्म भी मनसूख हो गया अब कयामत तक जब तक सूरज चांद रहेगा उस वक्त तक ये कुरानी अहकाम पर दुनिया को रोशनी और हिदायत मिलती रहेगी इसके ख़िलाफ़ अगर लोग काम करेंगे तो फिर उसको हिदायत नहीं मिलेगी उसके बाद फिर जो दूसरी आयतिया पैंतालीस नंबर की पढ़ी गई उसके अंदर अल्लाह तला फरमाते हैं कि हमने तौरात में ये हुक्म दिया था जो कुरान के अंदर भी बरकरार है तौरात में हमने हुक्म दिया था कि अगर किसी ने किसी को कत्ल किया तो कत्ल के बदले कत्ल किया जाएगा अभी आपके सामने दो रोज़ तक ये बात आई कि मजीने के कुरब जवार में बनू नज़ीर और बनू क्रेज़ा ये दो कबीले थे बनू नज़ीर जरा ताकतवर था बनू कुरेजा ज़रा कमज़ोर था तो ये बनू नज़ीर के लोग जुल्म उठा रहे थे बनू कुरेजा पर कि अगर बनू नज़ीर के किसी आदमी को बनु कुरैजा के आदमी ने कत्ल कर दिया तो उसके बदले में कत्ल भी किया जाता था और दियत भी ली जाती थी और अगर ख़ुदा ने खास था किसी बनु कौरेजा के आदमी को बनु नज़ीर ने कत्ल कर दिया तो उसके बदले में कत्ल नहीं किया जाता था बल्कि उसको दियत दे दी जाती थी बस और अगर कोई बनु नज़ीर का गुलाम आदमी मारा जाता था बनु कुरैजा के ज़रिए से तो बनु नज़ीर वाले बनु कुरैजा के आज़ाद आदमी को कत्ल करते थे और अगर बनो नज़ीर की कोई औरत कत्ल की जाती थी तो उस औरत के बदले में बनु कुरैजा के मर्दों को कत्ल किया जाता था ये जामाना उन्होंने खुद साख्ता क़ानून बना लिए थे जामाना कवानी बना करके वो लोग अमल करते थे और बनो क्रिजा पर जुर्म करते थे तो अल्लाह ताला उसका रास्फाश कर, कर रहे हैं ये कम वक्त लोग जो तौरात के हुक्म के खिलाफ कर रहे हैं यानी बनु नज़ीर के लोग उसको मालूम होना चाहिए तौरात के अंदर भी ये हुक्म था वो लोग जो आए थे हजूर सलिन के पास आप जरा इसके बारे में बता दीजिए तो अल्लाह ताला ने, 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 ने कुरान की आयत उतारी कि बनू यहूदियों के बारे में भी यही हुक्म था तौरात के अंदर भी ये हुक्म था कि अगर किसी ने किसी आदमी को कत्ल किया तो कत्ल के बदले में इनस, अगर मर्द ने कत्ल किया तो मर्द के बदले में मर्द को कत्ल किया जाएगा अगर किसी ने औरत को कत्ल किया तो औरत के बदले में उस कातिल को कत्ल किया जाएगा किसी ने नाक तोड़ी तो नाक के बदले में नाक तोड़ी जाएगी किसी ने आँख फोड़ी तो आँख के बदले में आँख फोड़ी जाएगी गोया के जो नुकसान पहुंचाया गया तो उसके बदले में उस नुकसान के बदले में उतना ही नुकसान पहुंचाया जाएगा आयत के अंदर फिर अल्लाह फरमाते हैं कि अगर किसी आदमी ने कातिल को माफ कर दिया मकतूर के वारसा ने माफ कर दिया या जीत पर राजी हो गए तो भी ऐसा कर सकता है और ये बेहतर है अगर मकतूर के लोगों ने माफ कर दिया कातिल को चलो हम कतल नहीं करेंगे बल्कि जीत ले लेंगे तो इसकी भी गुंजाइश है शरीयत के अंदर फिर आखिर में अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अगर किसी आदमी ने किताब के खिलाफ फैसला किया यहूदी है तो यहूदी तौरात के मुताबिक फैसला करे और नशारा है तो इनजी के मुताबिक फैसला करें मुसलमान है कर्न के मुताबिक फैसला करें अगर इसके खिलाफ कोई फैसला करेगा तो गोया के उसने जुल्म किया गोया कि उसने जुलम किया इन दोनों आयत के अंदर पहली आयत में तो अल्लाह यहूदियों को हुक्म दिया था उसके आने वाले जो ऊलम थे अखबार थे और अम्बिया थे उसके बारे में हुक्म दिया गया था कि तौरात तो के मुताबिक तुम फैसला करो डरो मत मुझसे डरो लोगों से मत डरो और उसके बाद पैंतालीस नंबर की आयत में अल्लाह तला ने हम लोगों को ये बताया कि उनकी शरीयत में भी यही सजा थी कातिल के कत्ल के बदले कत्ल नाक किसी ने तोड़ी च नाक के बदले नाक आंख फोड़ी चाँख के बदले आँख उनके शरीयत में भी यही हुक्म था अल्लाह तआला से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को सुनने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए सुबहानल्लाहमदी सुबह